हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा। हाउ आर यू ऑल गाइज? तो पार्ट थ्री के ऊपर आ चुके हैं। दिस जो डिटेल्ड एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर बेस्ड न्यूज़ से रिलेटेड, एंड जनवरी का पार्ट थ्री है बेसिकली। इसके बाद पीआईबी में से तो आपका कोई ऐसा न्यूज़ नहीं बचेगा, ठीक है? स्कीम्स वगैरह जो न्यूज़ के अंदर आती रहती हैं वो तो हम साथ के साथ भी देखते रहेंगे और बाद में हम स्कीम्स के लिए एक अलग से लेक्चर भी बना लेंगे। तो बेसिकली जनवरी का आपका जितना इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज या एरिया थे वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे आफ्टर दिस वीडियो, एंड देन वील फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट विद फेब। इस तरीके से हम सारे मंथ्स को एक बार कवर अप कर देंगे एंड उसके बाद फिर हम स्कीम्स वगैरह के ऊपर जाएंगे, ठीक है? सो प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वो आप देख सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का, घेरकिन हैज़ द क्रॉपिंग पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, ठीक है? बेसिकली जनवरी के अंदर न्यूज़ में था क्योंकि क्यूकम्बर्स और घेरकिन्स जो हैं इंडिया इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है, ठीक है? दिसंबर के अंदर क्या न्यूज़ था कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री कौन बन गया है? इंडिया बन गया है, दैट इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़। तो इसका क्रॉपिंग पीरियड कितना होता है, ठीक है? क्रॉपिंग पीरियड हम जनरली सारी क्रॉप्स का देखते हैं ना कि यार ये एक ऑन एन एवरेज क्रॉपिंग पीरियड है। सो द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज इज ऑप्शन बी, 90 डेज, ठीक है? यहाँ पर 90 डेज इसका करेक्ट आंसर है, इसको मार्क कर लीजिएगा, 90 डेज इज द राइट आंसर, ओके? सो न्यूज़ था January 23, 2022 का, पीआईबी के अंदर आया था। इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है क्यूकम्बर्स और गेरकिंस का दुनिया के अंदर, ठीक है? और ये सब वैल्यू वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर से जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सो गेरकिंस बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, एक क्यूकम्बर्स और एक गेरकिंस, ओके? बेसिकली घेरकिन जो वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, जो आप प्रिजर्व करते हो विनेगर या एसिटिक एसिड को यूज़ करके, ओके? और दूसरे आपके क्यूकम्बर्स और घेरकिन आते हैं जिसको आप प्रोविजनली प्रिजर्व करके रखते हो कोल्ड स्टोरेज वगैरह में। घेरकिन कल्टीवेशन जो है इंडिया के अंदर अराउंड 1990s में स्टार्ट हुआ था और इनिशियली कर्नाटका वगैरह के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, लेटर ऑन बाकी के आसपास के सदर्न स्टेट्स के अंदर भी इसको एक्सपैंड किया गया लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 15% जो दुनिया की घेरकिन प्रोडक्शन होती है वो इंडिया के अंदर होती है, तो ये वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स हम हैं घेरकिन के पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है? अराउंड 20 कंट्रीज को भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं वो है आपकी नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, ओशियानिया कंट्रीज जैसे कि US, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, साउथ कोरिया, कनाडा, जापान, बेल्जियम, रशिया, चाइना, श्रीलंका, इसराइल, इन सबको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? और एक्सपोर्ट पोटेंशियल के अलावा घेरकिन इंडस्ट्री जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, ठीक है? घेरकिन जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर इंडिया में मेनली ग्रो किया जाता है और अराउंड 90,000 स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इसकी कल्टीवेशन के अंदर इन्वॉल्व है। अराउंड 6,500 एकड़ का जो एरिया है करंटली अंडर घेरकिन कल्टीवेशन आता है। जो प्रोसेस घेरकिन होते हैं इसको आप बल्क के अंदर एक्सपोर्ट करते हो एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल और जार्स में रेडी टू ईट की फॉर्म में। बल्क प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑक्यूपाई करता है, ठीक है? बल्क परसेंट में क्या होता है कि आप उसको एज सच किसी जार वगैरह में पैकेजिंग करके नहीं भेज रहे हो, रेडी टू ईट में नहीं भेज रहे हो, ठीक है? यानी कि डायरेक्टली कंज्यूमर को टारगेट नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जिसको आगे चल करके फर्दर टारगेट किया जा सकता है। अराउंड 51 मेजर कंपनीज हैं ऐसी जो प्रोड्यूस कर रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही हैं घेरकिन को इन ड्रम्स एंड रेडी टू ईट कंज्यूमर पैक्स। एवरेज पे घेरकिन जो फार्मर है 4 मेट्रिक टन पर एकड़ का क्रॉप कल्टीवेशन का एवरेज आता है इंडिया के अंदर और अराउंड 80,000 का जो है नेट इनकम अर्न करता है, ठीक है? अर्न अबाउट ₹80,000 विद अ नेट इनकम ऑफ ₹40,000 खर्चे वगैरह निकाल के। घेरकिन जो है 90 डे का क्रॉप पीरियड इसका रहता है जो अभी आपको दिखाया, तो फार्मर जो है 2 क्रॉप्स एनुअली ग्रो कर सकता है, ठीक है? प्रोसेसिंग प्लांट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी सेटअप किए जा रहे हैं, ठीक है? पिछले कुछ सालों में सेटअप किए गए हैं, तो ये भी एक मेजर रीजन बना है इसके एक्सपोर्ट के इंक्रीज होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है? कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको सवाल दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सिंस 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स। नेट एक्सपोर्टर का क्या मतलब है कि जितना हम टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर का, और जितना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो है वो हमारा क्या है, सरप्लस है, यानी कि पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने में सबसे ऊपर हमारा नाम है।
तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर बास्केट है इसको बासमती राइस और मैराइन प्रोडक्ट्स में डोमिनेट करता है इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ध्यान से देखोगे तो आंसर आपका, अगर थोड़ा बहुत भी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है तो ईजिली इसका आंसर आ जाना चाहिए। देखो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1 एंड 3 ओनली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। इंडिया का खुद का डिमांड इतना ज़्यादा है कि हम लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर तो बन ही नहीं सकते, तो ये वाला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाता है। तो अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका 1 एंड 2 और 2 एंड 3 तो वैसे ही उड़ गया, ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब इंडिया, ठीक है, हम ग्लोबली सबसे बड़े एक्सपोर्टर नहीं है, लेकिन हम एक्सपोर्ट सरप्लस के अंदर, बेसिकली हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सरप्लस है एग्रीकल्चर के केस में, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इम्पोर्ट कम करते हैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट भी बेटा आपका ठीक है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में आए और उससे इंडिया कंटिन्यूअसली जो है वो नेट एक्सपोर्टर रहा है, और अराउंड 2.7 लाख करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया था 2018-19 के अंदर, ठीक है। अब इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है फूड ग्रेन्स का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, बट हमारा एक्सपोर्ट कम है, क्योंकि एक तो हमारी खुद की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो प्रेजेंटली हम पूरी दुनिया का जितना भी एक्सपोर्ट होता है या जो ग्लोबल ट्रेड होता है एग्रीकल्चर में, उसमें इंडिया का 2% शेयर है, और इंडिया का एज अ एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्टर 9th रैंक है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इनफैक्ट हमारा थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे जो छोटे देश हैं उनसे भी हम कम एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और तीसरा स्टेटमेंट जो था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर में वो मेनली कौन डोमिन किस प्रोडक्ट से डोमिनेटेड है, बासमती राइस और मैराइन प्रोडक्ट्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसके अंदर कोई भी दोराहे नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, मधु क्रांति पोर्टल फॉर ट्रेसेबिलिटी ऑफ हनी एंड अदर बीहाइव प्रोडक्ट्स हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय। मधु क्रांति पोर्टल बेसिकली किसने लॉन्च किया है? ये पोर्टल जो है ये बेसिकली हनी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, हनी भी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ट्रेसेबिलिटी के लिए इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया, इस पोर्टल को डिज़ाइन किया गया, और इस पोर्टल को डिज़ाइन किया बेटा ऑप्शन ए नेशनल बी बोर्ड ने, नेशनल बी बोर्ड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोलिस ये बेटा बेसिकली किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है? जो दूध होता है गाय का, जो शीप वूल होता है, बी हाइव का, राइस स्टबल का, या नन ऑफ द अबव। प्रोपोलिस इज अ बाय प्रोडक्ट और अ प्रोडक्ट ऑफ, सो द राइट आंसर गाइज हेयर विल बी ऑप्शन सी, बी हाइव विल बी द राइट आंसर। ओके, सो प्रोपोलिस बेसिकली एक रेजिन लाइक मटेरियल होता है जो बीज बेसिकली बनाती हैं, जो आपकी हनी बीज होती हैं, ठीक है। और ये बेसिकली कैसे बनता है, जो बड्स होते हैं ना पॉपुलर के, या जो कॉर्न बियरिंग ट्रीज होते हैं उससे बेसिकली इसको बनता है। और बीज इसका इस्तेमाल किस लिए करती हैं प्रोपोलिस का, अपना हाइव बिल्डअप करने के लिए, ठीक है, और इसके अंदर फिर अपने बी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको स्टोर करती हैं, ठीक है। प्रोपोलिस के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं बैक्टीरिया से फाइट करने की, वायरसेस और फंगाई से फाइट करने की, तभी तो हनी बीज जो होती हैं वो इसको एज अ नेचुरल मैकेनिज्म यूज़ करती हैं अपने बीहाइव्स को बिल्डअप करने के लिए। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स और स्किन हीलिंग के इफेक्ट्स के लिए भी ये जाना जाता है। प्रोपोलिस अपनी प्योर फॉर्म के अंदर बहुत रेयरली अवेलेबल होता है, और ज़्यादातर इसको आप ऑप्टेन बीहाइव से ही करते हो। प्रोपोलिस ह्यूमन लाइफ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डायबिटीज़, कोल्ड सोर्स, स्वेलिंग्स, ठीक है, इन सबको क्योर करने के लिए, बर्न्स, कैंकर सोर्स, जेनिटल हर्ब्स, ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस को क्योर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक अच्छा एविडेंस बेसिकली अभी तक तो नहीं है कोविड-19 के लिए, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे इसको यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो प्रोपोलिस बेसिकली क्वेश्चन जो था वो क्या था कि बी प्रोडक्ट से आता है। AICRP ऑन हनी बी एंड पॉलीनेटर कहाँ पर लोकेटेड है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बेसिकली PIB के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसके अंदर विद इन द लाइन्स हमको इन्फॉर्मेशन ढूंढ करके हम क्वेश्चन यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज AICRP ऑन हनी बी एंड पॉलिनेटर आपका कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट, ICAR इज ऑन द वे टू क्रिएटिंग पॉलिनेटर गार्डन्स अंडर AICRP सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। पॉलिनेटर गार्डन्स बनाने की बात कर रहा है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वेरियस जो AICRP सेंटर्स हैं वहाँ पर। और पहला ऐसा पॉलिनेटर गार्डन जो है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो ये गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर लोकेटेड है? देखो अब इसके अंदर दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि ये पहला पॉलिनेटर गार्डन कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ पर आपको 3-4 यूनिवर्सिटीज के नाम दे देता और आपको वो बताना पड़ता। सो द राइट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन ए पंतनगर। तो आपका जो ये गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है पंतनगर के अंदर लोकेटेड है, विच इज इन उत्तराखंड।
ठीक है, उत्तराखंड के अंदर जो आपका गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है वहां पर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास रूट इनोवेटर फ्रॉम कर्नाटका हु इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज टेमरिन मेनियक हैज बीन सेलेक्टेड फॉर पद्मश्री फॉर द ईयर 2022। तो बेसिकली इन्होंने बहुत सारे एग्रीकल्चर मशीनरीज वगैरह डेवलप किए हैं एंड वन ऑफ द मशीनरी वॉज रिलेटेड टू टेमरिंड। उसकी डिटेल के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको टेमरिंड मेनियक भी बेसिकली बोलते हैं। सो ही हु इज़ दिस पर्सन, ही इज़ अब्दुल खदेर नदकतीन। इनको बेसिकली टेमरिंड मेनियक बोला जाता है और पद्मश्री इनको मिला। पद्मश्री इन बाकियों को भी मिला 2022 में, लेकिन टेमरिंड मेनियक जो है वो अब्दुल खदेर नदकतीन को कहा जाता है। नेक्स्ट, लीबा टेक्सटाइल आर्ट ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है? तो लीबा टेक्सटाइल आर्ट बिलोंग करता है टू द स्टेट ऑफ मणिपुर। ये मन की बात जो होता है ना, जनवरी में जो मन की बात हुआ था प्रधानमंत्री का, उसमें इन्होंने इसका लीबा टेक्सटाइल आर्ट का जिक्र किया था, वहां से मैंने ये क्वेश्चन बनाया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज मेराइन एक्सपोर्ट्स। इंडिया का सबसे ज्यादा मेराइन एक्सपोर्ट कौन से देश के अंदर होता है? US, चाइना, जापान, रशिया या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तुक्केबाजी का कोई इसके अंदर ना स्कोप ही नहीं बचता कि आप तुक्का लगा करके आंसर कर दो। सो द राइट आंसर इज USA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो किसी एक एक्ट, किसी पार्लियामेंट के एक्ट से बॉडी बनाई गई हो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर नन ऑफ दी अबव। सो द राइट आंसर गाइज ओवर हियर इज योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 11th क्वेश्चन, इसके बाद ये पूरी की पूरी न्यूज डिस्कस करूंगा, बेसिकली ये मेराइन एक्सपोर्ट से रिलेटेड न्यूज थी। सो विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स द लार्जेस्ट आइटम एक्सपोर्टेड अंडर मेराइन प्रोडक्ट्स। जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अपने मेराइन प्रोडक्ट्स को, इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस आइटम का रहता है? फ्रोजन फिश का, फ्रोजन श्रिम्प्स का, स्क्विड्स का, ठीक है, और सबका सेम शेयर रहता है या फिर अदर्स अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री। सो द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर इज ऑप्शन बी, फ्रोजन श्रिम्प्स। जो हमारा मेराइन एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज रहता है वो फ्रोजन श्रिम्प्स का रहता है। ठीक है, सो दिस वॉज द न्यूज बेसिकली रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ मेराइन प्रोडक्ट्स। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब पुराना डेटा हो जाएगा जब तक आपका पेपर होगा। अप्रैल से दिसंबर का डेटा है तो पेपर के अंदर वो अप्रैल से दिसंबर का डेटा तो नहीं पूछने वाला। मेन जो पॉइंट्स याद रखने आपने वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो सबसे पहले तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको होता है, तो ये थर्ड पैराग्राफ के ऊपर आ जाओ, टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। ठीक है, तो वो है US, चाइना, जापान, वियतनाम और थाईलैंड। आने वाले समय में भी US ही रहेगा। पूरे साल का डाटा देखोगे तब भी US रहेगा, पिछले साल का डाटा देखोगे तब भी US रहेगा, आने वाले समय में भी US रहेगा, क्योंकि जो गैप है ना वो बहुत वाइड है। ऐसा नहीं है कि ये गैप रातों रात चाइना इतनी ज्यादा मछली हमसे खरीदने लग जाएगा कि US की जगह चाइना नंबर एक पर आ जाए। ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट याद रखना है 5 टॉप एक्सपोर्टर्स का। उसके बाद हमने कहा कि फ्रोजन श्रिम्प जो है ये मेजर शेयर होता है इंडिया के मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के अंदर 74% वैल्यू टर्म्स में। ठीक है, कि कितना हम पैसा बेसिकली उससे हमें मिल रहा है, तो 74% जो है वो मैराइन प्रोडक्ट्स में फ्रोजन श्रिम्प का होता है, 7% फ्रोजन फिश का, 6% अदर्स का और 5% स्क्विड्स का। तो ये दूसरी चीज हो गई आपकी, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने बेसिकली बनाया था। उसके बाद आपके सेवरल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको इंप्लीमेंट करती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1972 में ये बॉडी बनी थी, ये भी पूछ सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मैराइन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, ये याद रखना। उसके अलावा इस न्यूज़ के अंदर एक स्कीम का भी जिक्र था जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसके लिए 20,050 करोड़ का बजट जो है वो सेटअप किया गया था। ठीक है, और इसको 5 साल के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक सभी स्टेट्स और यूटीज में। और इसका टारगेट है कि 1,00,000 करोड़ का जो फिशरीज एक्सपोर्ट है वैल्यू टर्म्स में वो करना है, और 70,00,000 टन एडिशनल फिश प्रोडक्शन होनी चाहिए, और 55,00,000 का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है इन द अपकमिंग 5 ईयर्स। तो इसके ऊपर से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फ्रेम नहीं किया, बट ये सारे इंपॉर्टेंट है। स्कीम का नाम, कब लॉन्च हुआ, कितना पैसा है, कब तक चलेगा, क्या इसके अंदर टारगेट्स हैं, ये जो 3-4 छोटे छोटे टारगेट्स हैं इनको आप याद कर सकते हैं। चलिए गाइस, सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप
कि छोटे छोटे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हों जो ज़्यादा समय भी आपका नहीं लेते हैं, और कोशिश की जा रही है कि नॉलेजेबल बनाएं इनको। बट आपको शेयर ज़रूर करना बेटा सेशंस को, ठीक है? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी कर सकते हो प्लीज़ करें। एंड कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9041244689 पर, मेल कर सकते हैं sikshit@gmail.com पर, ठीक है? लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।